नमस्कार, मैं सब आप देख रहे हैं फॉर न्यूज भारत। हमारे साथ जुड़ चुके प्रदीप तिवारी, या यू कहें द वन मैन आर्मी। आपको बता दें कि 1932 का जो मामला चल रहा है, उस बीच में एक पार्टी उभर कर आ रही है, और उस पार्टी को उभरते में जो सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है वो है जयराम महतो का। उसके बाद एक जो महत्वपूर्ण चेहरा सामने आ रहा है वो है इनका। ये जो है उस 1932 खतियान के खिलाफ है, विरोधी है। क्यों है, क्या है, ये सारी चीजें जानते हैं इनसे, खुद इनके ही जुबान से। नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जोहार। देखिए, अभी आपने इंट्रो दिया, एक नया चेहरा आ रहा है जयराम। जिस समय से ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं ना मैम, उस समय से जयराम हाफ पैंट में खेलता होगा। जब झारखंड अलग हुआ था ना, और उस समय के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मरांडी, उन्होंने जो ये आग लगाई थी, उस समय जो दो डेमोसाइल युद्ध हुआ था जिसमें कई जाने गई थी, उसमें मैं इसी आंदोलन से मेरी पहचान बनी थी। उस समय मैं जेल भी गया, कई तो सारे मुकदमे भी हुए, और उस समय भी हम लोगों ने विरोध किया था कि 1932 नहीं चाहिए, 1932 नहीं होने देंगे, और वही विरोध आज भी चल रहा है। बीच में मामला कुछ ठंडा हो गया था, इसलिए कि सन 2002 में हाईकोर्ट ने खतियान आधारित स्थानांतरण को टर्न डाउन कर दिया था। उनका हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आ गया कि ये नहीं पॉसिबल है, तो फिर मामला ठंडा गया। अभी कुछ लोग अपने आप को पॉलिटिकली एस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि आप देखिए वेरी प्रैक्टिकली आप समझिए तो हमारे देश में न्यायालय सबसे बड़ी संस्था है, उच्च न्यायालय है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय है। जब रांची उच्च न्यायालय ने, झारखंड उच्च न्यायालय ने इसको टर्न डाउन कर दिया कि नॉट पॉसिबल, देन फिर इस पर राजनीति करना, इसमें मतलब आप अपने आप को पॉलिटिकली एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो उतने दिनों तक मामला खत्म रहा, फिर पता नहीं किसे भाषा आंदोलन से 1932 चाहिए करके कुछ लोग अपने आप को पॉलिटिकली एस्टेब्लिश किए। तो हमारी पहचान उसी समय से, हम लोग उस समय से ही जब झारखंड राज्य अलग हुआ था तब से लड़ रहे हैं, और आज भी लड़ रहे हैं, और जब तक जिंदा हैं 1932 के खिलाफ लड़ते रहेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए 1932 लागू नहीं होता है तो क्या होना चाहिए? अब देखिए, हमारी शुरू से डिमांड रही, उस समय भी है डिमांड, आपको याद होगा, मैं तो आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। एक साथ तीन राज्यों का बंटवारा हुआ, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ठीक है। छत्तीसगढ़ में तो एज यूजुअल कट ऑफ डेट को, जिस डेट को राज्य बंटवारा हुआ उसके पहले से जो लोग हैं उनको वहां का स्थानीय मान लिया गया। उत्तराखंड में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही कर दिया कि भाई आप जो कट ऑफ डेट है उससे पहले जो है वो स्थानीय है। आप कितने राज्यों में जाइए, आप राज्य की बात छोड़िए, यहां तक विदेश में अगर 15 साल रहिए तो आपको वहां का नागरिकता मिल जाता है, वहां का अधिकार मिल जाता है, तो फिर यहां ऐसी उलझुल मांगे क्यों? हम आज शुरू से मांग रहा है कि जिस देश को राज्य बंटवारा हुआ उसके पहले जो लोग हैं उनको स्थानीय स्थान तक आधार मिलना चाहिए। भाई आपको भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं ना हुआ था जी, आप उस देश चल जाए हम इस देश चल जा रहे हैं, बस चलवा दे रहे पाकिस्तान, ट्रेन चलवा दे रहे पाकिस्तान वाले, वहां जाइए। राज्य का बंटवारा हुआ था, जितने आंदोलनकारी हैं सभी का बर्थ और सर्टिफिकेट में बिहार राज्य लिखा हुआ है मैडम, समझे, सभी के बर्थ सर्टिफिकेट, जो माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं ना इनमें सूचिता है ना, तो वो भी दिखाए उनका बर्थ किस राज्य में जन्म हुआ था, तो उस राज्य के प्रति सूचिता रखिए। आप तो आग लगाने, आप बोडोलैंड बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग मणिपुर और बोडोलैंड टाइप को झारखंड को जलाना चाह रहे हैं, वो ना होने देंगे, किसी कीमत में नहीं होने देंगे। तो हमारा शुरू से डिमांड रहा है कि जिस डेट को राज्य बंटवारा हुआ उस डेट को घोषित कर दिया जाए, कट ऑफ डेट, सारा विवाद एक दिन में खत्म हो जाएगा। अब ये लोग बोलते, देखिए आप इस चीज को देखिए, 1901 से 1986 तक झारखंड में सर्वे हुआ है, तब पहले बिहार था, बंगाल प्रोविंस था, 1901 से 1986 तक सर्वे हुआ, तो फिर 1932 थी क्यों, इसका जवाब दें आप। 1901 ही ले लीजिए ना, बस चाहे 1986 ही ले लीजिए, 1932 थी क्यों, कितने लोगों के पास खतियान है बताए ना। झारखंड राज्य में मैम देखिए, झारखंड विविधताओं का राज्य है, न एक बोली है न एक खतियान है। झारखंड राज्य में आज भी कई ऐसे जगह है, आप चल जाइए राजमहल उरवा पहाड़ में, सादा पट्टा से काम चलता है, वहां कोई खतियान नहीं है, ठीक है, आप चल जाइए ना, ठीक है। तब 1932 को मांग रहे मैम, तो धनबाद जो है 1956 में बंगाल प्रोविंस से बिहार में आया, ठीक है, उसके बाद बिहार से बंटवारा हुआ झारखंड में आया, तो वहां पे कहां पे धनबाद के लोगों को आप कहां फिर छाट दीजिए। देखिए ये लोग बिना देने होता है, बिना तर्क की बात कर रहा, 32 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और न होगा, 32 कभी संभव नहीं। राजनीति करने दीजिए, अपने आपको विधायक मंत्री बने। आप देखिए अब सारा, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब झारखंड राज्य अलग हुआ था ना, इधर तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, हम थे स्वर्गीय उदय शंकर ओझा वगैरह थे, और 32 के समर्थन में थे दो आदमी, दो नॉन फेस थे, एक बंधु तिर्की और एक चमरा लिंडा।
32 के नाम पर राजनीति करके दोनों विधायक बन गए। कभी उनके मुंह से आप सुनते हैं? नहीं ना सुनते हैं। ये लोग भी विधायक उधायक बन जाएगा, शुभकामना है, विधायक बन जाए, चुप रहेगा, उसके बाद जब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं अपना राजनीतिक रोटी सेके बस और कुछ नहीं। अच्छा, अभी क्या है कि जेबी केसेस इन लोग फॉर्म कर लिए, पार्टी का गठन कर लिए है ना, तो अभी कुछ दिनों पहले कुछ लोगों से बात हो रही थी तो वो लोग कह रहे थे कि प्रदीप जो है वो फेमस होने के लिए हम लोग का नाम का उपयोग कर रहे हैं या हम लोग के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, इस मामले पे आप क्या कहेंगे? जब हाफ पैंट में गुल्ली डंडा खेलता था सब ना, उस समय का फेमस है प्रदीप तिवारी, उस समय लाठी का, उस समय जेल गया है, जिस समय कखा घर लिखता था ना, उस समय हम लोग जेल का यात्रा की इस आंदोलन के लिए, तो फिर बात क्या करनी उस संदर्भ में। नेता बनने दीजिए उन लोग को, कितने लोग मेरा नाम लेकर नेता बन रहे हैं, तो मैं बताना नहीं चाहता, अपनी राजनीति रोटी चलने दीजिए, भविष्य का वर्तमान युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, स्वागत है। आप राजनीति को लेकर क्या सोचते? बिल्कुल बिल्कुल मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, अगर रहती राजनीतिक महत्वाकांक्षा ना मैम, तो जिस समय जेल गया था ना, जिस समय मैं केस हुआ था ना इस मुद्दे पे, उस समय से रेगुलर पॉलिटिक्स करता है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा कुछ नहीं है, बस अनर्गल बर्दाश्त नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जब कोई गलत बोलेगा, असूलों पे आंच आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, हक और अधिकार की बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। सामने कोई होगा मेरा अधिकार हनन कीजिएगा तो आपका गर्दन पकड़ के अधिकार लेने का क्षमता रखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि क्या हो रहा है कि अभी इन लोग पार्टी फॉर्म कर लिए हैं, इलेक्शंस में खड़ा हो रहे हैं, दावा कर रहे हैं झारखंड की सीटों पर, आपको क्या लगता है ये दावा कितना उच्च है? देखिए मैम, एक हार्दिक पटेल का नाम आपने सुना होगा, पाटीदार आंदोलन किए थे, पूरा देश में फेमस हो गए थे। अभी वो किसान आंदोलन एक आदरणीय किए थे, बहुत फेमस हो, लोग कहीं चर्चा नहीं हो रही ना। आप किसी जात या किसी समुदाय को विशेष के लेकर राजनीति कीजिएगा ना, तो आप सफल नहीं हुई। अच्छा, यही चीज अभी कुछ टाइम पहले एक अपोजिशन की पार्टी है, उनसे भी हम यही सवाल किए थे, तो उनका कहना है कि ये लोग जो है गठबंधन कर रहे हैं मतों का, या इस तरह से एक जाति का गठबंधन करके राजनीति चल रही है, इस तरह से राजनीति नहीं होता है। आप क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? आपको भी दिख रहा, पूरे झारखंड की जनता देख रही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप आइए, जीत करके विधायक बनिए, तब आपको समझ आ जाएगा। अरे भैया, अब शायद आप ही के चैनल पे या किसी में मैंने देखा कि एक भावी प्रत्याशी हैं जेबी केसेस के, वो बोलते हैं कि हमको एक दिन का मुख्यमंत्री बना के देखिए, हम देखते हैं मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर राज्यपाल या राष्ट्रपति में होता है। अब बताइए कितने पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये तक नहीं पता है कि मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर राज्यपाल या राष्ट्रपति में होता है, वो अपने देश का संविधान ही चेंज करने के चक्कर में है। तो उन लोगों के बारे में क्या बात करनी है, वो अनपढ़ लोग हैं, केवल अपने आप को चमकार, उन लोगों के बारे में क्या बात करनी है। हमको बस 1932 नहीं लगेगा और नहीं प्रैक्टिस। अभी देखिए, यहाँ से 1932 की इन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले तो कहा कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, उसके बाद पता नहीं किस मजबूरी में ईडी का डर से एक दिन में 32 को उन्होंने विधानसभा से पास करके भेज दिया राजभवन। अगर ये लोग 32 के समर्थक थे, 32 के पक्ष में थे, तो राजभवन का घेराव करना चाहिए था ना। 32 जन भावना की बात है, 32 जन भावना की बात है, तो रामगढ़ उपचुनाव में 1985 को लागू करवाने वाले चंद्रप्रकाश चौधरी जी कैसे जीत गए, ये भी तो प्रश्न है। आप लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1932 भेज के ना चुनाव में गए थे, आप लोग मुख्यमंत्री को और के ये हराने के लिए, हेमंत की पार्टी को हराने के लिए 20 को कैंडिडेट खड़ा कर दिए। आपको तो खुलेआम हेमंत के पक्ष में बोलते थे ना, संविधान लेकर किताब लेकर घूमते थे कि 1932 भेज दीजिएगा, हम पढ़ने लिखने चल जाएंगे। कहाँ गए पढ़ने लिखने, तो हेमंत के विरोध में राजनीति करने लगे। 32 देखिए, पब्लिक भी जानती है, ये लोग बोलते हैं 32 जन भावना का मैटर रहता तो आज रामगढ़ में हेमंत की पार्टी जीती रहती, 85 पे साइन करने वाले लोग नहीं जीतते। मैंने आपसे शुरू से कहा कि ये लोग केवल गुमराह करने की राजनीति करते और कुछ नहीं। ठीक है भाई, आप युवाओं को राजनीति में नहीं आनी चाहिए, आना चाहिए, आप आइए, विधायक बनिए, सांसद बनिए, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आप बन के आएगा रांची में, मैं स्वागत करूंगा, लेकिन लोगों को गुमराह तो मत न कीजिए। लोगों को गुमराह के अगर राजनीति कर रहे हैं आप, तो फिर आप में और अन्य दलों में अंतर क्या रह गया? गुमराह किस तरह की गुमराह की बात कर रहे हैं? अभी तो मैंने आपको बताया 32 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये लोग 32 मांग रहे हैं। अभी मैं आपको जयराम भाई का छोटा भाई हमारा, उसका कुछ इंटरव्यू दिखा दूंगा जिसमें उन्होंने कहा कि 32 हमारा मुख्य मुद्दा नहीं रहा, हमारा मुख्य मुद्दा रहा जल, जंगल और जमीन। तो भाई 32 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, पहले तो बोलते थे ना 1932 का टी-शर्ट पहन के घूमते थे, अब उनका 32 मुख्य मुद्दा नहीं रहा, तो अब देखिए कि कैसे अपने मुद्दों से भटक रहे।
32 नहीं संभव है मैम, 32 बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हाँ आप हक मांगिए ना, हम तो बोल रहे हैं ना कि अब तो आप एक काम कीजिए ना, 32 मांग रहे हैं ना, तो आप ये आवाज उठाइए जिनके जिनके पास खतियान है वही झारखंड विधानसभा चुनाव भी लड़े, है हिम्मत उठाइए ना आवाज। अब देखिए, अब वहां से उन्होंने क्यों बोला कि 32 नहीं चाहिए, 32 मेरा मुख्य मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी हो गए हैं और पॉलिटिकल पार्टी को सभी वर्गों का वोट चाहिए होता है। तो भैया, और जिनके पास 32 का, झारखंड में लगभग 40% ऐसी जनता है जिनके पास 32 का खतियान नहीं है, तो आपको तो उनका तो भी वोट चाहिए, तब तो मजबूरन आपको 32 का मामला को इग्नोर करना पड़ेगा। आप इसी समझ लीजिए कितना लोगों को गुमराह कर रहा है वो लोग। और मैडम, मैंने प्रारंभ से कहा है, फ्रॉम डे वन जब से ये मुद्दा उठा था, कई लोगों की जान लेने वाले बाबूलाल मरांडी जो सीएम थे, आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, उन्होंने ये आग लगा कई लोगों की जान ली थी। उस समय भी ये था कि 32 पॉसिबल नहीं है, उसके बाद हाईकोर्ट ने भी टर्न डाउन कर दिया। उसके बाद बिना मतलब का उस मुद्दे को उठाकर राजनीति करना, मतलब आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। मेरी तो कई बात, मेरी बात कई कई लोगों से बात होती, उन्होंने भी कहा कि अब वो लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। हम बोले भटकना था भाई, भटकना तो था ही, इसलिए कि 32 संभव नहीं है। 32 लागू करने के लिए आपको यहां से 45 को विधायक चाहिए, ठीक है, उसके बाद केंद्र में 350 सांसद चाहिए, उसके बाद आप जाइएगा 9 शेड्यूल में शामिल करें तो वहां सुप्रीम कोर्ट में हम लोग हैं ना चैलेंज करने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो आधार है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इसको टर्न डाउन कर दिया, तो हमारे पास आधार बनता है। इसीलिए हम लोग गुमराह करने वाली राजनीति कभी नहीं करते, हम ना बर्दाश्त करेंगे। जो हमारा हक का छीनने का बात करेगा उसका, अब देखिए यह आंदोलन शुरू हुआ भाषा आंदोलन से। आप लोग आज जाइए पलामू में, भोजपुरी बोला जाता है, ठीक है, आप इधर संथाल तरफ चल जाइए, संथाली बोला जाता है, फिर मुंडारी बोला जाता है, इधर लोहरदगा तरफ चल जाइए नागपुरी बोला जाता है, पंच सिल्ली बुंडू तरफ चल जाइए पंचपरगनिया बोला जाता है। तो फिर आप लोग भोजपुरी को क्या विरोध कर रहे हैं भाई, पलामू झारखंड, पलामू प्रमंडल झारखंड का है ना जी, आप कैसे वहां भोजपुरी का विरोध कर सकते हैं आप किसी एक। मैंने कहा ना कि लोग बोलते हैं कि झारखंड झारखंडियों का, जैसे बोलते हैं बिहार बिहारियों का, महाराष्ट्र मराठियों का, गुजरात गुजरातियों का, बंगाल बंगालियों का, झारखंड झारखंडियों का, झारखंडी कौन बताया ना, झारखंडी कौन, क्यों नहीं बता रहे झारखंडी कौन। बोलते हो जिनके पास 1932 का खतियान हो, तो तुम सरकार हो, सरकार ने तो अभी 1985 को रद्द नहीं ना किया है, तो आप सरकार हैं क्या कि आप जो बोल दिए वो हो जाएगा। अभी तो 1985 जो किया था अभी तो वही चल रहा है, इस मुख्यमंत्री ने भी उसको टर्न डाउन, उसको वापस नहीं किया है। तो फिर झारखंड जब बोलते झारखंडी, झारखंडी कौन, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न तो ये है। तो भैया हम लोग तो शुरू से रहे इसी मामले पर रहे कि जिस दिन झारखंड का राज्य का बंटवारा हुआ उसके पहले के लोग को झारखंडी कह दिया। हाँ, जिनके पास ड्यूअल आइडेंटिटी है, जो यहां भी और बिहार का भी लाभ ले रहे हैं, उनके साथ आप कीजिए ना आंदोलन, हम लोग चाहते हैं आपके 40 से लेकर 90-10 ये सारी चीजें बदलाव होते रह जा रही है और उनके सेंटेंसेस में भी बदलाव आ रहे हैं, अभी इस पे आप क्या कहेंगे। देखिए, जब इस माननीय मुख्यमंत्री ने एक नीति लाई थी, नियोजन नीति, उसको हाईकोर्ट में भाजपा के कार्य समिति के सदस्य सुनील, क्या नाम है, सुनील हांसदा, हाँ सुनील हांसदा ने उसको चैलेंज किया, हाईकोर्ट ने उसको भी टर्न डाउन कर दिया। कितना बार ये लोग गए हैं सुनील हांसदा का घर घेरने, कितना बार इन लोगों को आपने देखा भाजपा नेता हुआ घर घेरते हुए, कभी देखा आपने, नहीं देखा होगा आपने, इसलिए कि भैया जहां से रोजी रोटी चला उसको कैसे घेरेंगे। अच्छा। ये घेरते हैं किसको, अनूप सिंह को, मतलब बोलते आप दावा कर रहे हैं कि बीजेपी इसमें, देखिए इनके बैकग्राउंड में तो कोई ना कोई बड़ी शक्ति है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, तो उसका प्रमाण भी दे रहा हूँ ना, कितना बड़े भाजपा नेता हुआ घर घेरते हैं, इनको घेरना चाहिए था ना सुनील हांसदा का घर, के आपने नियोजन नीति कैंसिल क्यों करवाया, इनको घेरना देना था ना राजभवन के, आपने 32 क्यों वापस किया, कितना बार घेरे ये लोग किसको टारगेट करेंगे, बोलते हैं कोयला व्यवसायी अनूप सिंह झारखंड का खनिज खा रहा है, किसको टारगेट करेंगे, पूर्णिमा नीरज सिंह होगी झारखंड का खनिज खा रहा है, ढुल्लू महतो क्या है, देवता है आपका ढुल्लू महतो, से बड़ा कोयला व्यापारी कौन है, लेकिन ढुल्लू महतो के खिलाफ बोलेंगे तो छोटा सा मार्ग इन लोगों को ठीक कर देगा। ये लोग टारगेटेड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप साधारण सी बात है, हेमंत सोरेन ने भेजा था ना 32 का खतियान राजभवन को, इनके मुंह से कितना बार आपने हेमंत सोरेन का बड़ाई सुना, हेमंत सोरेन ने भेजा था हाईकोर्ट, नियोजन जी बनाया था ना, हाईकोर्ट ने उसको भेज दिया वापस सुनील हांसदा के कारण, कितना बार ये लोग हेमंत सोरेन के पक्ष में खड़े हुए,
साधारण सी बात है, आपको अपने आप को एस्टेब्लिश करना होगा तो आपको सत्ता का विरोध करना होगा। सत्ता जो भी कहेगा, अच्छा भी काम करेगा, उसका विरोध आपको करना होगा, तभी आप अपने आप को पॉलिटिकली एस्टेब्लिश कर पाएगा। वही ये लोग कर रहे हैं। 60-40 की नीति जो है, अभी मैं आपको प्रमाण दिखा देता हूं कि यूपी में यूपीपीएससी में कोई भी भारत का नागरिक भर सकता है, ठीक है। हमारे झारखंड के कई लोग हैं, कई प्रमाणिक हैं, कई मुंडा है, मेरे मित्र हैं, वो जाके आज बाहर नौकरी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड में नौकरी कर रहे हैं, वहां जर जमीन खरीद करके घर बना ली। क्या उनको आप बुलाइएगा? वही तो किसी का अधिकार मार रहे हैं ना। 60-40 की बात करते हैं आप, खीरू महतो को खीरू दादा बोलते हैं। खीरू महतो भी नहीं तो बिहार के किसी नेता का हक मार के वहां से राज्यसभा सांसद बने, उस समय आपको अच्छा लगा? कितना बार आप, साधारण सी बात है, आप ये एक तरफ लोग रोजगार मांग रहे हैं, नियोजन नीति को सुनील हांसदा ने कैंसिल करवा दिया, तो मुख्यमंत्री की झारखंड में कई सारे पद खाली थे, मुख्यमंत्री ने सरकार ने टेम्पोररी नियोजन नीति लाई, 60-40 बहाली हो रहा। बिहार में तो चुपके चाके सब फॉर्म भर रहे हैं, बिहार में तो ओपन फॉर ऑल हो गया ना, वहां कहा ना विरोध कर, चलिए वहां भी विरोध कीजिए। एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा नहीं चलता है। इस तरह लोग गुमराह करके आप राजनीति कभी भी सफल राजनीति नहीं बन पाएंगे। अभी देखिए, अभी डुमरी उपचुनाव हो रहा है ना, कहां गए जेबीकेएसएस की पार्टी के लोग? बोलना चाहिए था किसके पक्ष में वोट दे रहे हैं। खाली टाइगर ओरिजिनल टाइगर जगन्नाथ महतो के साथ आप डीपी लगा ले रहे हैं, तो आपको तो सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी वहां, क्योंकि वो भी 32 की मांग कर रहे थे। 32 की मांग कोई कर रहा था तो जगन्नाथ महतो कर रहे थे, सरकार में लड़े थे, तो जेबीकेएसएस तो वहां उनको समर्थन देना चाहिए था। काहे नहीं दिए आप? जवाब दीजिए, क्यों नहीं दिए आप? इसका जवाब पूछिए उनसे, क्योंकि उनकी और जगन्नाथ महतो की डिमांड एक ही थी, 1932 चाहिए। जगन्नाथ महतो धरती पुत्र थे, नेता थे, श्रद्धांजलि देते हैं उनको, लेकिन ये भी कह सकते हैं वहां उनका विरोध क्यों किया? क्योंकि आप ही को मान, वो भी आप बाहर से लड़ रहे हो, सरकार में लड़ रहे थे, और वो नहीं रहते तो 1932 में हेमंत सोरेन बात भी नहीं करते। तो आपको तो वहां देनी चाहिए ना सच्ची श्रद्धांजलि, उनको उनका समर्थन खड़ा होना चाहिए था ना, क्यों नहीं खड़ा हो रहे हैं आप? तो लोगों को दिग्भ्रमित करना नहीं तो क्या है, बताइए। अच्छा ये बताइए, आप इतने खुल करके सारे मामलों को रख लेते हैं और लोगों के खिलाफ भी बोल लेते हैं, और सच्चाई अगर आपके नजरिए से देखें तो आप सच्चाई आपके नजरिए से ठीक है, तो आपको नहीं लगता है कि इतना कुछ बोलने के बाद आपको किसी तरह का थ्रेट वगैरह ऐसा कुछ फील नहीं होता है? लगभग 50,000 धमकियां मिल चुकी हैं, कई फोन कॉल्स पे मैंने कहा FIR भी कराया। तो मैडम ऐसा है ना कि हम लोग शेर हैं, दिखावे वाला टाइगर नहीं है, शेर हैं। अकेले भी चल जाएंगे, अभी डुमरी अकेले भी बोकारो जाके गरज के आए, हमारा संगठन के लोग भी बोले कि हम लोग चलते, हमने हम लोग गाड़ी जाएंगे, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार हमारी मांग दिया जाए। ये लोग का देखिए बोलने से ना ताकत है ना भैया। अब मोदी जी को भी दिन भर 1 करोड़ गाली मिलता होगा, राहुल गांधी को मिलता होगा, पीछे पीछे बोलते रहे अकेला से घूमता हूँ, जिसमें क्षमता है आके चैलेंज है फरिया लीजिए, खाली बोले से ना होता है। मैं मुझे तो किसी ने चैलेंज किया था बोकारो आके दिखाओ, बोकारो में जाके 500 लोगों के बीच गरज के पीसी करके आ गया, लाइव गया था बोकारो, आओ फरियालो भाई, जिसमें ताकत है आके सामने लड़ के। मैं देखिए ये लोग मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं? भाई आप भी अपना अधिकार मांग रहे, मैं भी अपना अधिकार मांग रहा हूं, सोच का अंतर है। हम आपके खिलाफ तो नहीं लड़ रहे हैं, हम सरकार से लड़ रहे थे, तो आप हमको टारगेट कीजिए तो हमको टारगेट करने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। शेर हूं, गरजता था उस समय, गरजता था, आज भी गरज रहा हूं, कोई तो उसे डरने वालों में नहीं, तो अपने अधिकार के लिए जान भी देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा ये सब कुछ कबाड़ नहीं पाएगा, टेंशन की बात नहीं है। एक आपका वन लाइनर हो गया और जेबीकेएसएस के भी एक सदस्य, उनका भी वन लाइनर बहुत फेमस हो रहा है। चलिए यही इन्हीं के साथ ये हमारी वार्तालाप थी, क्या इनकी सोच थी और क्या इनके थॉट्स ही रखना चाहते थे, वो सारी चीजें हम आपके सामने लेकर आए हैं। ऐसी और खबरें लेकर आते